गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ और अभी मैं करने वाली हूँ मॉर्निंग का काम। तो भी हर लेडीज़ का तो सुबह से काम पर जाते हैं, जब जेंट्स मतलब हस्बैंड और बच्चे स्कूल जाते तब। तो फिर आज तो घर पे है मेरे लड़की और हस्बैंड, तो बाहर से लगे कुछ काम के लिए। तो आज संडे है, छुट्टी है, और जब घर पे रहते हैं बच्चे तो और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो अभी इधर में करने लग गई मॉर्निंग सुबह का काम। तो पहले मैंने ना सुबह नाश्ता बना के खिला पिला के सबको तैयार वो कर दिया। अभी मैं कर रही घर का काम थोड़ा बहुत। तो आज का ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइस। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को ना लास्ट तक देख पाएंगे। तो गाइस अभी बज रही है मॉर्निंग का 9 o'clock और मैं ना मेरी लड़की को ना पढ़ा रही थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और मंडे को लास्ट एग्ज़ाम है, मैथ है। और मुझे लगा कि उसको मैंने ना ट्यूशन वगैरह नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ा सकती हूँ, इसलिए मुझे ना बाहर ट्यूशन भेजना है करके। तो स्कूल में ना थोड़ा स्कूल में पढ़ के आते हैं और जो भी स्कूल से होमवर्क वगैरह देती है तो मैं घर पर करा देती हूँ। और पता नहीं ट्यूशन में कैसे क्या पढ़ाते होंगे। और वैसे भी ट्यूशन भी नहीं मिल रहा है इधर, और मुझे आता ही है। मेरे लड़के अभी क्लास 2 के हैं, इतना भी हार्ड नहीं है। तो भी जितना भी सिलेबस है ना मैं उसको पढ़ा देती हूँ। और इधर करने लग गई मैं बेडशीट साफ सफाई बिस्तर, तो वो ना अभी पढ़ाई कर रही थी। और अभी ना आम खाने चले गए अंडर किचन में, वो आम खा रही है। वो बोला कि मुझे आम काट के दे दो, मैं थक गई पढ़ाई करके। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आम खा लो। तो वही इधर कर रही थी मैं, बिस्तर की हालत पूरा ख़राब हो गई थी सुबह सुबह हम सो के। मैंने ना बिस्तर ठीक नहीं किया था। और अभी तो क्या हुआ पता है, रात को जब स्पीड फैन लगाती हूँ ना ठंडा भी लगती है, और ठंडे में ना कंबल उड़ना भी बहुत मज़ा आती है। और इधर में ये दो दो कंबल ले लिया, पतला वाला कंबल और रात को उड़ने के लिए। और हुई है क्योंकि और इधर करने लग गए मैं, इधर रखा था जूता चप्पल वगैरह ये। और ये नीचे जो है ना कार्डबोर्ड पे ये ना कार्ड वो टीवी है, मैंने अभी तक लगाया नहीं। टीवी घर से ले आए थे पैक करके, वही ऐसे पड़ा हुआ है और लगाने के लिए मिला ही नहीं किसी को। बोला है कि ये लगाने में 1000 रुपये लगेगा। तो फिर ठीक है, बाद में देखेंगे टीवी जब लगाएंगे तो। और थोड़ा बहुत कपड़े ये है मैं फोल्ड कर रही हूँ अभी, बाद में जो भी होगा वो। इधर पता है क्या है, उधर ना जहाँ उधर थे ना मैं लॉकर वगैरह थे कपड़े रखने के लिए, इधर ना इतना फैसिलिटी नहीं है लॉकर वगैरह कपड़े रखने के लिए। बॉक्स के ऊपर ही डाल के रखा मैंने कपड़े, और जो भी और ऐसे बॉक्स के ऊपर भी रखती हूँ सूखे कपड़े और अंदर भी रख देते बॉक्स के ऊपर। तो ये है इधर मुझे ना मिला 3 कमरे, और इतना वो भी नहीं है, सामान वगैरह नहीं है। और सामान वगैरह एक्चुअली क्या है, मुझे ना खुला खुला सही है रूम, इतना सामान भरा हुआ नहीं सही है। जैसे कि मेरे लड़की खेल सकती घर के अंदर ही और वो ना डांस करती रहती है, तो फिर इसलिए मैंने ना एक रूम ना खुला करके रखा मेरी लड़की के लिए, जैसे कि वो डांस कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा कभी कभी कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ और मेरे व्यूअर्स किस टाइप की वीडियो पसंद है। कभी कभी अच्छा भी लगता है कमेंट करके, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ना बहुत सारे कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आप इस तरीके से वीडियो बनाओ और इस टाइप का वीडियो बनाओ, इस कपड़े पे इस तरीके से कपड़े पहन के आप ये सब ये वीडियो बनाओ। तो फिर ये सब कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे ना सपोर्ट भी मिलती है ये सब पढ़ के। तो फिर आप लोग तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और उसी टाइप के हिसाब से ना मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो आज मैंने डाले हैं ग्रीन और वाइट लेगिंग्स, शायद आप लोगों को वाइट लेगिंग्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और इसी की वजह से ना मैं वाइट लेगिंग्स पहन के आज मैंने ना वीडियो बनाया आप लोगों के लिए।
सो गाइस, आज का छोटा सा ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू, बाय।